हेलो फ्रेंड्स, लेट अस सी एक्चुअली कि आज जो है 1 अगस्त 2019 है और आज मार्केट बंद हुई है। देखते हैं आज के जो निफ्टी के चार्ट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं। निफ्टी के चार्ट कहने का मतलब है जो वो चार्ट्स जिसके अंदर ऑलमोस्ट 50% निफ्टी का वेटेज है। तो सबसे पहले जो चार्ट है ये TCS का चार्ट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। कल जो है इसने बहुत बड़ी एक छलांग लगाई थी और ऐसा लग रहा था कि आज ऊपर जाएगा ये, लेकिन क्योंकि मार्केट में भारी गिरावट रही तो ये इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर तो गया, लेकिन वापस जो है इसने एक हर्मी पैटर्न बना दिया है जो कि ये कहता है कि शायद कल जो है ये दोबारा से गिरेगा, इसका क्लोजिंग दोबारा से हो सकता है। हालांकि इसकी जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ से घूम गई है, लेकिन फिर भी ये जो है मतलब क्योंकि सारा का सारा सेंटीमेंट खराब है और इसने ये एक खास हर्मी पैटर्न बना दिया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद कल ये गिरेगा। और इसका आज ये जो RSI है ये भी थोड़ा सा गिरा है, और जो हिस्टोग्राम ये हरा वाला है ये भी थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, और जो MACD है ये भी इसका मुंह खुला हुआ है। तो अगर आप सम टोटल इसका देखें तो ऐसा लगता है कि अगर कल मार्केट अच्छी रही तो शायद ये जो स्टॉक है ऊपर जा सकता है, लेकिन इसका फिलहाल जो पैटर्न है ना वो जो है ऐसे ही दिखा रहा है कि शायद अगर कल कुछ नहीं होगा, अगर कोई अच्छी खबर नहीं आई तो इसका ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल ही है, वरना तो कल ये अगर मार्केट अच्छी हुई तो शायद ये ऊपर हो सकता है कल। रिलायंस के अंदर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोनों मूविंग एवरेजेस पूरी की पूरी खुली हुई हैं। जब तक ये जो एवरेज घूमेगी नहीं, यहाँ से प्राइस इसके ऊपर नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ पर रिलायंस ने परसों भी गिरा, कल इसने यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बनाया, आज जो है इसने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया जो कि ये सजेस्ट करता है कि कल इसकी जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि 30 जब ये जो है इसका जो RSI है वो 32.11 है, जो कि एकदम जिसको बोलते हैं ना कि खरीदने के लिए के लायक है। कल भी मैंने ऐसा ही बोला था क्योंकि इसकी वजह से जो शेयर मार्केट है वो चढ़ती है, और इसका वैसे भी जो इसका RIL है इसका जो वेटेज है वो 10% है ऑलमोस्ट निफ्टी के अंदर। तो इसका चढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर निफ्टी को चढ़ना है या बैंक अगर निफ्टी को चढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि जो HDFC बैंक है, ये HDFC बैंक में आप देख लीजिए कि यहाँ पूरा का पूरा ये जो HDFC बैंक है ये पूरा खुला हुआ है, यहाँ पर इसका मुंह पूरा का पूरा खुला हुआ है। ये देखिए, मैं एक मिनट में बना देता हूँ इसको। ये HDFC बैंक देखिए, यहाँ पर ये HDFC बैंक भी देख लीजिए, जो मूविंग एवरेजेस हैं वो भी पूरी की पूरी खुली हुई हैं, कोई इसको रिस्पाइट नहीं है। आज इसने स्पिनिंग टॉप बनाया है, इसका मतलब ये है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके बीच में एक टसल हो रही है कि क्या करना है, खरीदना है बेचना है, प्राइस जो है वो फाइनली ऊपर नीचे नहीं जा रहा है ज़्यादा इसका। तो ये एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है, कन्फ्यूजिंग नहीं मैं इसको बोलूँगा, बुल और बियर्स के अंदर एक टग ऑफ वॉर हो रही है। अब इसका अगर ये देखते हैं, इसका RSI देखते हैं तो वो 26 इसका RSI है। मेरे को लगता है कि ये बहुत अट्रैक्टिव पोजीशन के ऊपर आ गया है, और क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव पोजीशन के ऊपर आ गया है इसलिए इसका बाई मतलब फिलहाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस दिन मार्केट का जो अपिश ट्रेंड होगा तो ये लिटरली ये 100-150 रुपये आराम से भाग सकता है। हिंदुस्तान लीवर देख लीजिए, एक पूरा का पूरा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। हालांकि परसों और कल और आज भी जो है इसने ना हायर हाईज हायर लोस बनाए हैं, जो कि ये बताता है कि शायद इसका जो ट्रेंड है यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। लेकिन इसको 1731 जो इसका जो चैनल है 1731 जहाँ क्लोज हुआ है, इस 1731 के ऊपर अगर एक दो दिन बनेगा तो हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए। हालांकि इसकी गुंजाइश कम है क्योंकि आज इसकी वॉल्यूम जो है ना वो कम हुई है, तो अगर वॉल्यूम आपकी कम है और अगर ये शेयर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो जाती है क्या होगा। लेकिन इसका अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही होता है कि ये नीचे आना चाहिए। तो इस चैनल जो है ये चैनल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, 1731 है, इसको 1740 के ऊपर एक दो दिन ज़रूर रहना होगा। और अगर इसका अगर आप ये RSI देखें तो ये 47.73 है, ठीक है फिलहाल ये बीच में ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये 30 के आसपास होता तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चलो थोड़ा चढ़ गया है, कोई बात नहीं है। और इसका ये जो MACD है, MACD जो है इसकी जो ब्लू लाइन है ये ऊपर है, लेकिन ये फ्लैटिश लाइन है इसका, ये मतलब ये ऊपर ऐसे नहीं है कि ये जैसे मतलब ये एकदम ऊपर मुँह खुला हुआ है इसका। तो फिलहाल तो ये न्यूट्रल ही दिखा रहा है, कुछ खास नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए इसको डेफिनेटली जो है एक वॉल्यूम भी चाहिए होगा, और दूसरी बात है कि चैनल के ऊपर इसको रहना होगा। मैं आपको 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो
इन्फोसिस है ये गिरने के लिए बिल्कुल तैयार है। कल भी मैंने बोला था कि ये ऊपर की जो छोटी मूविंग एवरेज है ये घूम गई है, हालांकि इससे फर्क कुछ पड़ता नहीं है, लेकिन आज इसने उसको काट के मूविंग एवरेज जो 15 डेज मूविंग एवरेज है या 15 डेज मूविंग एवरेज को इसने काट दिया है और उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। ये शो करता है कि ये जो है अब गिरने के लिए तैयार है। और ये जो मैंने लाल लाइन लगाई है यहाँ पर करीब करीब आके सपोर्ट आएगा जो कि सपोर्ट 755 के आसपास है। और ये देखिए आज जो है ये बड़े वॉल्यूम से गिरा है, इसके देखिए वॉल्यूम से गिरा है। इवन इसका जो RSI है वो भी नीचे की तरफ है और इसकी जो ये जो लाइन है ये एकदम कन्वर्ज हो रही है, जो ब्लू MACD लाइन और रेड सिग्नल लाइन एकदम कन्वर्ज हो रही है, जिसकी वजह से क्या है कि ये शो करता है कि शायद ये गिरेगा ही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो बहुत बुरा हाल है, मैंने कल भी आपको बोला था कि मुश्किल है इसका ऊपर जाना। अभी भी देखिए इसका मुंह जो है पूरा का पूरा खुला हुआ है मूविंग एवरेजेस का, और आज तो ये बहुत बेरिश इसने कैंडल लगाई है, ये बड़े वॉल्यूम से गिरा है ये, और इसको फिलहाल तो छोड़ ही देना चाहिए क्योंकि इसका जो RSI है वो भी 30 के करीब आ 30 से स्लाइटली ऊपर ही है, लेकिन जो हिस्टोग्राम है और ये जो MACD जो है ये भी बड़ी पुअर शेप में फिलहाल बता रहा है। कोटक बैंक जो है एज इट इज़ हम 3-4 दिन से बोल रहे हैं कि ये एक रेंज के अंदर ही चल रहा है, क्योंकि ये एक रेंज के अंदर चल रहा है इसलिए आप देख लीजिए आज इसने जो है एक हर्बी पैटर्न लगाया है और इसकी वजह से ये कल बिल्कुल गिरने को तैयार है। इसका जो है वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम से गिरा है, RSI भी गिरा है इसका, एंड एट द सेम टाइम ये जो है इसके अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, तो मेरे को लगता है ये काफ़ी चढ़ चुका है, अब इसको गिरना ये अब गिरेगा ही। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं क्या हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का देखिए पूरा मुंह खुला हुआ है और ये आज अच्छी तरह से बैंक निफ्टी गिरा है, हालांकि इसने बाद में रिकवर भी किया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसा नहीं बता रहा कि पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये जो है यहाँ पर बहुत लंबी कैंडल से गिरा है। बैंक निफ्टी बहुत सेंसिटिव होता है, कोई भी अच्छी न्यूज़ जो है इसको ऊपर ले जा सकती है, इसलिए इसका RSI जो है फिलहाल 26.97 है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन ओवरऑल अभी भी ये नेगेटिव ट्रेंड के अंदर ही है क्योंकि नेगेटिवली क्लोज किया है। और ये जो निफ्टी है ये देखिए इसका डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ये मूविंग एवरेजेस पूरी खुली हुई है, बहुत ज़बरदस्त एवरेज से गिरा है। RSI भी इसका 25 हो गया जो कि ज़बरदस्त अट्रैक्टिव है, लेकिन इसका जो हिस्टोग्राम है ना हिस्टोग्राम आज और थोड़ा सा ख़राब हुआ है, क्योंकि ये जो हिस्टोग्राम में थोड़ा सा बड़ी इसकी ये कैंडल बनी है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। एट द सेम टाइम जो इसका जो ब्लू MACD लाइन है ये भी फ्लैट मतलब नीचे की तरफ ही झुकाव है, तो ये भी नेगेटिव है। तो आज तो नहीं कह सकते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन ऑल सेड एंड डन अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो हो सकता है कि ये जो है ऊपर चढ़ जाएगा, निफ्टी सबसे पहले ऊपर जाएगा, लेकिन उसको ऊपर जाने के लिए जो है ये TCS, रिलायंस, HDFC हाउसिंग, हिंदुस्तान लीवर, इन्फोसिस, स्टेट बैंक वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा। दोस्तों अब एक बात ये देख लेते हैं कि ये जो निफ्टी है निफ्टी का एक चार्ट को थोड़ा सा और इसको स्टडी कर लेते हैं, कैंडलस्टिक इसको बेटर स्टडी करने के लिए कैंडलस्टिक का जो चार्ट है इसको जरा कन्वर्ट कर देते हैं लाइन चार्ट के अंदर। तो आप ये देख लीजिए कि लाइन चार्ट के अंदर भी ये कैंडल यही दिखा रहा है, पूरा का पूरा नेगेटिव ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। अभी इसके अंदर आप देख लीजिए कि इधर क्या हुआ है, पीछे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर इसने एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिया था जिसके बाद ये ऊपर गया और उसके बाद तो ये सीधा का सीधा नीचे आ गया, ये देख लीजिए ये नीचे गिर रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर और भी इसने पैटर्न्स लगाए हैं, यहाँ पर देखिए इसने डबल बॉटम लगाया, डबल बॉटम लगा 1-2 और ये ऊपर गया फिर उसी हिसाब से, ठीक है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बैंक है जैसे ही इस बैंक ने जो है ये वाली एवरेज तोड़ी है अपनी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर करीब करीब 11,000 समझ लीजिए 200 की एवरेज तोड़ी है, उसके नीचे इसका ये फ्री फॉल हो गया है। और अगला जो इसका जहाँ पर ये जाके रेस्ट ले सकता है, जहाँ पर जाके रेस्ट ये देख लेट अस सी, इसने इसको भी आज तोड़ दिया है, अब कहीं जाके रेस्ट लेगा तो मेरे हिसाब से जो है इसको अब जाके यहाँ पर जाके रेस्ट लेना चाहिए जहाँ पर इसकी हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन है जो कि 10,800 के ऊपर आती है। तो मेरा अंदाज़ा है कि शायद अगर तब तक कोई न्यूज़ आ गई तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी जो है ये करीब 2-100 पॉइंट ज़रूर गिर सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो निफ्टी है ये और सिचुएशन को क्लियर कर देता है कि क्या होने वाला है। तो आप तैयार रहिए 10,800 तक की जो है रेंज में ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जा सकता है। अब सरकार को चाहिए कि कुछ जो है रियायत दे दे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि जो मार्केट जो है जो गिर रही है ये सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही गिर रही है और तो कोई कारण है नहीं। तो अगर गवर्नमेंट कुछ उनको रियायत देगी तो ये मार्केट थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, नहीं तो आप कह नहीं सकते कि मार्केट कब अच्छी होगी और कब खराब होगी। इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर कि ये चार्ट्स एक
एक अगस्त यानी आज के हैं और कल की ये फोरकास्ट मैंने दी है जिसमें टीसीएस जो है नेगेटिव है, आरआईएल पॉजिटिव है, एचडीएफसी प्लस माइनस, एचडीएफसी बैंक प्लस माइनस दोनों हैं, एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन नेगेटिव है, एचयूएल प्लस माइनस दोनों है। ये सब देख लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ खास ये बोल नहीं रहे हैं। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों ही ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन न्यूज़ बेस्ड हैं। कल कोई भी न्यूज़ आएगी तो दे कैन ऑलवेज फायर अप, तो इसलिए मैंने इनको नेगेटिव टू पॉजिटिव बायस रखा हुआ है और कोटक बैंक को भी नेगेटिव टू पॉजिटिव बायस रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो चार्ट्स हैं, ये चार्ट्स हैं बेसिकली, ये चार्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट 85-90% ठीक होते हैं अगर कोई न्यूज़ नहीं आती, लेकिन जब भी कोई न्यूज़ आती है तो सब प्राइसेस जो हैं जो ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से चार्ट्स हैं वो रेगुलर चार्ट्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा यही सजेशन है कि जब भी आप चार्ट्स को लें तो आप ये सोच के लीजिए कि अगर न्यूज़ नहीं आएगी तो सब कुछ ठीक है, और न्यूज़ आएगी तो उस हिसाब से चार्ट्स और चार्ट्स के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, उनकी जो क्या बोलते हैं उसकी जो प्रिडिक्शन या फोरकास्ट है वो भी चेंज हो सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएँ और प्रेस का बटन दबाएँ अगर आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात डिस्क्लेम करना, मैं एज अ डिस्क्लेमर आई वांट टू से कि ये मैं जो हूँ ये मेरे व्यूज़ हैं चार्ट को एनालाइज करने के लिए, शायद सही व्यूज़ होंगे, लेकिन फिर भी आप जो हैं अपने किसी भी सर्टिफाइड ब्रोकर से या फाइनेंशियल एनालिस्ट से कोई भी बाय और सेल का डिसीजन आप लेने से पहले उसकी सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं एक बात दोबारा कहना चाहता हूँ आज फिर, वो ये कि मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से एक सर्टिफाइड चार्टिस्ट हूँ। मैंने टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल को क्लियर किया हुआ है कुछ साल पहले, इसलिए आई एम क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट द चार्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे 10-12 मिनट आप मेरे साथ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाना है तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, चार्ट्स पैटर्न सीख लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि आप हमेशा जो है कोई कन्फ्यूजन के अंदर आके आप कभी बाई नहीं करेंगे, हमेशा जब निशाने के ऊपर जब शेयर आएगा सही दाम पे मिलेगा तभी आप खरीदेंगे। बहुत बहुत पैसा कमाइए, टेक्निकल एनालिसिस को अपनाइए और शेयर मार्केट में रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।